तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आजकल मतलब 2 दिन से YouTube पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि YouTube बैन हो रहा है, Instagram बैन हो रहा है, Facebook बैन हो रहा है, Twitter बैन हो रहा है, और भी हो सकता है कोई और भी ऐप का चल रहा हो। तो ये सब बातें फेक तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बैन नहीं होंगे। कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं नहीं, ये आज ही बैन हो जाएंगे, ये कल बैन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये कभी भी बैन नहीं होने वाले। क्योंकि अगर इनका बैन होना होता ना, तो ये टिकटॉक की तरह या फिर पबजी की तरह, ये एक ही दिन में इनकी एक लिस्ट आती है और ये बैन हो जाते हैं। ना कि इनको मौका दिया जाता कि आप इनको अपनी प्राइवेसी को अपडेट करो या फिर इनकी जो भी है पॉलिसी उसको अपडेट करो। क्योंकि है ना, गवर्नमेंट कभी भी है ना, अगर गवर्नमेंट को अगर कोई भी ऐप बैन करना होता है ना, तो वो ऐसे उसको मोहलत नहीं देते कि तुम ये चीज़ कर लो, ये चीज़ मत करो। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि है ना, बैन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्लिक बेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ये बैन। और ये अब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मेरा सारा कुछ ये चल रहा है। तो इसका मैं आपको पॉलिसी थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि ना, वो गवर्नमेंट ने इनको पॉलिसी दी थी ऐप्स को कि ना, वो अपने कुछ एम्प्लॉय इंडिया के एम्प्लॉय रखें और ऐसा कुछ उसका हेडक्वार्टर इंडिया में रखें, तो ऐसी कुछ पॉलिसी दी थी। तो ऐप्स ने ना वो पॉलिसी ना 3 महीने पहले दी थी गवर्नमेंट ने, तो वो अभी आज एक्सपायर होने वाली थी, उनकी लास्ट डे थी, डेट थी। लेकिन उनको बैन नहीं किया है क्योंकि उनको मौका दे दिया, कहीं ने तो वो पूरी कर ली है। कोई भी ऐप ये नहीं चाहता कि ना उसका ऐप बैन हो जाए, कहीं किसी भी कंट्री में उसका ऐप बैन हो जाए। तो इसलिए वो है ना, कभी भी किसी को भी मौका मिलता है ना, तो वो उसको ज़रूर सुधारता है। टिकटॉक को आपको पता है, टिकटॉक को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था कि वो अपने उसमें पॉलिसी में अपडेट करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको नोटिस नहीं गया था, और ये पबजी के लिए भी नोटिस नहीं गया था। पबजी ने तो अपनी पॉलिसी पहले ही अपडेट करना चालू कर दिया था, फिर भी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया बिना कोई नोटिस दिए डायरेक्ट। मतलब अपने पास इतना वो नहीं होता कि उसकी, अपन को पता चला था ना तब, जी पहले दिन ही पता चला गया था पबजी बैन हो गया, फिर वो टिकटॉक बैन हो गया, एक ही दिन में पता चला था। ऐसा पहले से न्यूज़ नहीं आ रही थी कि ये बैन होगा बैन होगा, वो अचानक से बैन हुआ। तो इनकी अगर पहले से न्यूज़ आ रही है ना, तो ये कभी भी बैन नहीं होते, क्योंकि इनको अभी उन्होंने मोहलत दे दिया। अभी भी कुछ ऐप्स ने ना और भी मोहलत मांग ली है, तो वो सुधारेंगे। और आपको पता है, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के जो भी है ना, उन सभी लोगों के सबसे ज़्यादा, जैसे मोदी जी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर फेसबुक पर ही है, इंस्टाग्राम पर भी है। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि यार इसको बैन कर दो, और नोटिस देके तो कभी भी किसी ऐप को बैन नहीं किया जाता कि लोगों को पता चल जाए। नोटिस ऐसे देते हैं उनको, पर्सनली उनको देते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि इसके पास कोई नोटिस गया है, इसको इतने दिन की मोहलत मिली है। तो ये सब बातें फेक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बैन होंगे, ये बस क्लिक बेट कर रहे हैं लोग। क्योंकि है ना, यूट्यूब को कभी मतलब गवर्नमेंट को अगर बैन करने होते ना, तो वो अचानक कर देता, ना कि उनको ऐसे मौका देता कि तुम ये चेंज कर लो, ये चेंज कर लो। तो ऐसा नहीं है कि ये बैन नहीं होंगे, अब ये बैन नहीं होंगे।